खबर पोहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत की है, जहाँ बीते दिनों हुए सिलसिलेवार चोरियों को थाना प्रभारी जितेंद्र चंदेलिया के द्वारा खुलासा किया गया। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के नेतृत्व में नवागांव थाना प्रभारी जितेंद्र चंदेलिया के द्वारा शिवपुरी परीक्षा रोड ढाबे से दो लोगों को गिरफ्तार किया, जिसे पूछताछ के दौरान दोनों लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब पुलिस ने दोनों लोगों के कब्जे से चोरी का माल सहित नकदी बरामद कर संदिग्ध बाइक जब्त कर ली, जहाँ पुलिस से दोनों लोगों को न्यायालय पेश कर दिया गया। घटनाक्रम की जानकारी के अनुसार पोहरी थाना जितेंद्र चंदेलिया को मुखबिर से सूचना मिली कि दो लोग चोरी के माल को बेचने को घूम रहे, जिस पर थाना प्रभारी ने SDOP निरंजन सिंह राजपूत के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और मुखबिर के बताए गए स्थान पर पहुंच दबिश दी और मौके से दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी निशानदेही पर चोरी का माल बरामद कर लिया, जहां पुलिस ने दोनों लोगों के कब्जे से एक बैटरी सहित परचून का सामान, तीन मोबाइल एवं नकदी 1000 से एक संदिग्ध बाइक जब्त कर ली। जहां पुलिस ने पौरी में हुई दो लोग अलग अलग चोरियों का खुलासा किया। थाना प्रभारी जितेंद्र चंदेलिया ने बताया कि इनमें से एक युवक के खिलाफ 8 गंभीर मामले दर्ज है, जबकि वर्ष 2018 में जिला बदर घोषित किया गया था। कल पुलिस को सूचना मिली थी कि परीक्षा में एक ढाबे पर दो आदमी बैठकर चोरी के माल का बंटवारा कर रहे हैं, जिस पर से तत्काल थाना प्रभारी ने अपना फोर्स भेजा, उनको कस्टडी में लिया तो पूछताछ में पता चला कि यहाँ एक दुकान से उन्होंने चोरी की है और वो पूरा माल हमने बरामद किया। और भी पूछताछ की तो उन्होंने एक बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करना बताया, वो उसको भी हमने जब्त किया है। उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल मिली है, जिसकी भी कागज उनके पास नहीं है, अभी चोरों को इन पर गिरफ्तार किया, पुलिस रिमांड लेके अग्रिम पूछताछ करेंगे। अभी दो चोर हैं, जिनमें से एक शिवपुरी का रहने वाला है और एक पौरी का ही रहने वाला है। पौरी का व्यक्ति उसको सूचना देता था और अभी पुलिस रिमांड लेकर आगे पूछताछ करेंगे। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।